गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 5th of April 2023। आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है अक्रॉस द करेंसी मार्केट। कल डॉलर इंडेक्स पे अच्छा खासा सॉफ्टनेस हमने देखा है और 101.50 पे अभी ये आया हुआ है। व्हाट इट इंडिकेट्स दैट यहाँ पे आपका जो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो है आपका 100.75 से 101.00। अगर हम इसको वीकली में देखेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था डेट इज ये वीकली बेसिस पे 40 पे सपोर्ट लेना नहीं चाहिए अगर इसको नीचे जाना है तो, और वैसा ही अभी है 36.25, ये 40 के नीचे अच्छा खासा चला आया है। डॉलर रुपी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है 82.07। सो यहाँ पे हमें देखना है कि इनविजिबल हैंड्स एज वेल एज द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर बाइंग और नॉट। जीबीपी डॉलर पे कल एक अच्छा खासा तेजी देखा गया, जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज एट 1.2450, वो लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया है, अभी है 1.2494। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक और फर्दर अप मूव हम देख सकते हैं। क्या अप मूव है आपका? RSI ऑन वीकली देखोगे कि अबव 60 चला गया 62.52, एंड मंथली इज ऑल्सो क्लियर, जो हमें देख रहा था उसके हाई के ऊपर है। अगर ये करंट वीक में दैट इज बाय द एंड ऑफ 7th of April ये आपका जो 1.2450 के ऊपर क्लोज दे देता है, दैट मीन्स इन सच ए केस जीबीपी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू मूव फर्दर हायर। जीबीपी आईएनआर पे भी अच्छा खासा अप मूव देखा गया है, एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ के भाग गया है, अभी है आपका 102.50। इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है दैट इज एट 103.75 से 105.25 के बीच में। यूरो डॉलर में भी अच्छा खासा तेजी देखा गया है एंड अभी है 1.0962। इन दिस केस द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल इज द रिसेंट स्विंग हाई दैट इज एट 1.1050 लेवल। यूरो आईएनआर पे भी अच्छा खासा तेजी देखा गया है, इसमें भी अभी ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर में है दैट इज दैट 89.50 से 91.00 के बीच में। तो ये एरिया पे हमें थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है, क्या ये यूरो आयरन करेंसी पेयर इसके ऊपर तोड़ के चला जाता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे के तरफ पुल बैक करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर येन में अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है पिछले दो दिनों में आपका, ये परसों के दिन ये 133.75 टच करके फिर नीचे के तरफ आ चुका है एंड अभी है 131.50। इन सच ए केस व्हाट वी नीड टू चेक इज दैट क्या ये 40 के सपोर्ट लेता है या 40 के सपोर्ट को तोड़ के नीचे के तरफ आ जाता है। अभी इसका ये जो प्राइस एक्शन है इसको हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर पे भी अच्छा खासा अकॉर्डिंगली अप मूव देखा गया है, ये जो आपका मंथली एनालिसिस आप अगर चेक करोगे, जो जहाँ पे हमने थोड़ा सा ये जो पिन बार है इसके हाई के ऊपर हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखा था एंड लो के नीचे सेल ऑफ था, पिछले दो दिनों में हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर चुका है। दैट इज द केस इस करेंसी पेयर में थोड़ा सा तेजी है। इमीडिएटली जो सर्टेन हर्डल्स विल बी देयर अराउंड एट 63 लेवल्स। डॉलर कैंडी पे भी अच्छा खासा वीकनेस देखा गया, जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 1.3500 उसको ब्रेक डाउन करके नीचे के तरफ आ चुका है। दैट बीइंग द केस हमारा जो नेक्स्ट फॉल एक्सपेक्टेड है वो है आपका 1.3250 से 1.3300। ऑसी डॉलर में भी आज अब ये जो है रेट उसको मीन्स नो हाइक रखा गया है, फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स। इसके बाद आपका अभी 0.6762 लेवल पे ऑसी डॉलर है, और अगर RSI टर्म्स में देखेंगे कि ये 60 के आसपास है, दैट मीन द केस ये जो रेजिस्टेंस जोन हमारा था 0.6750 से 0.6775 के बीच में, उसको ये कन्विंसिंगली तोड़ के
फर्दर फॉलो थ्रू दे नहीं पाया। तो हमें देखना है कि क्या ये 3 अप्रैल के हाई के ऊपर फॉलो थ्रू देता है या नीचे की तरफ पुल बैक करता है। इन सच ए केस जो RSI है ये 60 की तरफ, ऑल्दो अप्रोचिंग 60 बट इट में टेक रेजिस्टेंस एट 60। सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे अच्छा खासा अपमूव हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। डॉलर CNH कंसोलिडेट कर रहा है जो आपका 13 मार्च का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अच्छा खासा कंसोलिडेट करने दिए, उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट ब्रेकआउट विल बी वेरी शार्प। यूके ऑयल 85.31 लेवल पे है आपका, ये जो यहाँ पे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है फिर वही 89 पे आ चुका है। मीन्स पहले का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था 89 ऑन द हायर साइड एंड 79 ऑन द लोअर साइड, बीच में ये 79 के नीचे अच्छा खासा डाउनवर्ड दिया था 70 तक, उसके बाद फिर वापस ये रेंज के अंदर में आ चुका है। दैट मीन द केस अभी फिर दोबारा हमें देखना है ये 89 ऑन द हायर साइड एंड 79 ऑन द लोअर साइड। कल हम देखेंगे कि ये जो 10 ईयर वेस्ट है अच्छा खासा फॉल आ चुका है, ये अभी 3.35। हमें अभी इंतजार है ये जो 3.29 से 3.33 के बीच में जो सपोर्ट जोन है इसको क्या ब्रेक करता है। ये ब्रेक करेगा आपका ये जो 3 बार है 24 मार्च का इसके लो के नीचे, जैसे ये डेली क्लोज दे देगा एंड उसके लो के नीचे फॉलो थ्रो करेगा तो और भी शार्प फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी US 2-year ट्रेजरी यहाँ पर भी अच्छा खासा हमने नीचे सॉफ्टनेस दिखा है, अभी ये 3.844 यहाँ पे। अभी थोड़ा सा देखने वाला बात ये है कि RSI एट 39.81, सो इसको नीचे आना है तो 40 के नीचे शार्प फॉल आना पड़ेगा। सो अभी लास्ट जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो सकता है ऑन ए डेली बेसिस ये 40 पे सपोर्ट लेना नहीं चाहिए अगर इसको नीचे की तरफ आना है तो। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर दोबारा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतने, आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल ए ग्रेट डे अहेड।